योग केवल आंशिक रूप से आसन तक सीमित होने के रूप में समझा जाता है, लेकिन लोग शरीर, मन और सांस को एकजुट करने में दिए जाने वाले अपार लाभों को महसूस करने में असफल रहते हैं। जी हाँ, योग को किसी भी आयु वर्ग और शरीर के आकार द्वारा चुना और अभ्यास किया जा सकता है, अर्थात योग किसी के द्वारा भी शुरू करना संभव है। अजय शर्मा ने बताया कि आजकल लोग आलसी व थका हुआ महसूस करते हैं और सारा दिन एक जगह बैठकर अपने कामकाज में मशगूल रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भुजंगासन रामबाण का काम करता है। अजय शर्मा ने बताया कि भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं, फिर अपनी हथेली को कंधों के सीध में रखें, दोनों पैरों के बीच की दूरी को कम करें और पैरों को सीधा एवं तना हुआ रखें। तत्पश्चात सांस लेते हुए शरीर के अगले भाग को नाभि तक उठाएं, लेकिन ध्यान रहे कमर पर ज्यादा खिंचाव ना आए। इस आसन को धारण करते समय धीरे धीरे सांस लें व छोड़ें, फिर अपनी पहली अवस्था में गहरी सांस छोड़ते हुए आ जाएं। इसी तरह से इस आसन को कम से कम 5 से 7 बार रोजाना जरूर करें। उन्होंने बताया कि इस आसन को करने से जितने भी फायदे गिनाए जाएं कम हैं। यह एक ऐसा आसन है जो सिर से लेकर पैर की उंगलियां तक फायदा पहुंचाता है। अजय शर्मा ने बताया कि इस आसन को करने से हमारी किडनी व लीवर तो स्वस्थ रहते ही हैं, साथ ही हमारी रीढ़ की हड्डी भी लचकदार बन जाती है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को विशेष रूप से इस आसन को जरूर करना चाहिए। नमस्कार, आज हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन हमारी कमर के लिए बहुत लाभदायक है। इसको करना कैसे है, उस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप पेट के बल जमीन पर लेटेंगे, इस तरीके से ऐसे, और ऐसे करके काम करो। पीआर टीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।